इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, इसमें हम लोग ई का पावर देख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ ई टू द पावर साइन एक्स इज टेकन टू बी वाई, देन द गिवन इक्वेशन चेंजेस टू, ये क्या होगा, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स क्या होगा, वन बाई ई टू द पावर साइन एक्स, यानी कि वन बाय वाई। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और वाई की वैल्यूज अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, यानी कि फोर प्लस माइनस टू रूट फाइव बाय टू, यानी कि दो रूट्स होंगे वो होंगे 2 प्लस रूट फाइव और 2 माइनस रूट फाइव। ये हो गया वाई, वाई का मतलब हो गया e टू द पावर साइन एक्स। e का वैल्यू 2.71 होता है, ये लॉग में यूज होता है, तो e की वैल्यू 2.71 होती है, इट्स 2.71। सो एक पॉजिटिव नंबर का कोई भी पावर आप लेंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 माइनस रूट फाइव, रूट फाइव क्या होगा, फोर से ज्यादा है, रूट फाइव जो है वो 2.2 समथिंग होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ई टू द पावर साइन एक्स कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वाला वैल्यू तो सीधे रिजेक्ट हो गया। दूसरा आया हमारे पास 2 प्लस रूट फाइव, तो ई टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट फाइव आया। इसको हम पता करने के लिए, चूंकि एक्स निकालना है इसलिए हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे ई के बेस पे, लॉग e के बेस पे e टू द पावर साइन एक्स, और दूसरी साइड भी लॉग e 2 प्लस रूट फाइव, बेस e है, ये इधर आ गया, तो हमारा साइन एक्स इंटू लॉग e टू द बेस e इक्वल टू लॉग e 2 प्लस रूट फाइव आएगा। ये वन हो जाएगा, किसी भी नंबर का लॉग बेस अगर वही है तो वन होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग e 2 प्लस रूट फाइव है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, तो e से बड़ा नंबर रखेंगे तो log 1 से बड़ा आएगा, और e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होती है। यहां पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 2.2 आता है, तो ये 2 प्लस 2.2 यानी कि 4.2 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, जो कि ऑब्वियस बात है कि 2.71 से बड़ा है, तो ये वैल्यू ई से बड़ी होगी, ई से बड़ी होगी तो उसका लॉग वन से बड़ा हो जाएगा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, साइन एक्स वन से बड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां जो वैल्यू आ रही है उससे साइन एक्स की वैल्यू वन से बड़ी आ रही है, इसका मतलब कि ये वैल्यू भी हमारा रिजेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का हैज नो रियल सॉल्यूशन, रियल नंबर में कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। अगला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे और अगर सीधे आप इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आंसर लाना बड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट करना होगा। कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यहाँ ये चीज़ दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है कि माइनस पी है, और अल्फा इंटू बीटा वन है। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू, एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास दिया हुआ रिलेशन है। अब यहाँ इसमें अगर इसको और इसके साथ, इसको इसके साथ अगर हम क्लब करें तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखिए क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा डेल्टा, और दूसरे ब्रैकेट को भी आप वैसे ही ओपन कीजिए तो आपके पास आएगा माइनस गामा अल्फा माइनस गामा डेल्टा, ये अल्फा है, अल्फा बीटा वन है और गामा डेल्टा भी वन है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, दोनों की वैल्यू वन है। सिमिलरली यहां पे भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहां क्या आया, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इंटू बीटा डेल्टा माइनस अल्फा इंटू गामा। अब इसको इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, इसको अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास,
अल्फा बीटा इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा माइनस बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। अल्फा बीटा वन है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर माइनस ये गामा डेल्टा भी वन है, गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट वन है तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये अगेन वन है और ये भी वन है तो प्लस गामा स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ गया गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर होता है गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस टू गामा डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस डेल्टा कितना है, माइनस क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस टू हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस टू, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस टू माइनस पी स्क्वायर प्लस टू, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में है। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है k माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट और साथ में नेगेटिव भी हैं, तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के निकालना है, के का वो इंटीजर वाला वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले रियल और डिस्टिंक्ट रूट दिया है यानी कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 64 डी स्क्वायर माइनस फोर के माइनस टू इंटू के प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर ये क्या हो जाएगा, 64 इज ग्रेटर देन 4, मैं उधर अगर ले जाऊं ये कैंसिल होके 16 आ गया, 16 ग्रेटर देन, इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8 आ गया, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 लेस देन 0। 16 को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो ये लिख सकते हैं। अब दोबारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन लिखना है, ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वेशन का देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का साइन लेस देन जीरो कहाँ होगा, किस k के किस वैल्यू के लिए होगा, उसके लिए हमें इसका साइन लिखना होगा, उसके लिए इसके दोनों रूट्स निकालने होंगे इसके इक्वेशन के। तो ये इक्वेशन अगर हम लोग लें k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, तो उसके रूट्स क्या आएंगे, आप देखिए उसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 10 बाय 2a, ये आ जाएगा हमारा माइनस 6 और 4। तो k के दो वैल्यूज हो गए माइनस 6 और 4। हमने देखा था कि अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो एक्सप्रेशन का साइन रूट्स के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ऑपोजिट होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव हियर, तो यहां नेगेटिव हो जाएगा बाहर में पॉजिटिव हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये एक्सप्रेशन कहां नेगेटिव है, तो कहां नेगेटिव दिख रहा है, माइनस सिक्स और फोर के बीच में। तो सबसे पहला जो कंडीशन है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, उससे हमारे पास एक चीज हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं कि k की जो वैल्यू होगी वो माइनस सिक्स और फोर के बीच में होगी, लेकिन माइनस सिक्स और फोर के बीच में कई सारे इंटीजर्स लाई करते हैं, आंसर ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या यूज करेंगे, नेगेटिव रूट्स है इससे क्या फर्क पड़ेगा। रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा है और दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा जीरो से छोटा होगा, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं तो उनका सम भी नेगेटिव होगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा विल बी लेस देन जीरो। और यहां देखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस एट बाय के माइनस टू विच शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। अब ये माइनस साइन हटाने के लिए हम लोग यहां इसका साइन बदल देते हैं और एट बाय टू माइनस के, यहां से भी हम लोग माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये टू माइनस के बदल जाएगा और ये माइनस माइनस नीचे शिफ्ट करूंगा तो माइनस के प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो गया, ये लेस देन जीरो एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखिए ये नंबर दो नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं, ए बाई बी का फॉर्म है, इनका ये फ्रैक्शन लेस देन जीरो है, एट अगर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन को लेस देन जीरो होने के लिए
2 माइनस के को क्या होना होगा? लेस देन 0. 2 माइनस के अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा तभी ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 8 तो पॉजिटिव है. 8 पॉजिटिव है और ये पूरा नंबर 0 से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है कि 2 माइनस के को 0 से छोटा होना होगा. तो k अगर उधर जाएगा तो k ग्रेटर देन 2. यहां से क्या कंडीशन मिली हमें कि k 2 से बड़ा है. तो और यहां क्या मिली थी, माइनस 6 से 4 के बीच में. दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए. तीसरा साथ में एक और केस हम लोग चेक कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा वैसे हमारा. हमारे पास ऑप्शन मिला माइनस 6, 2 और 4, ये तीन नंबर्स मिले. इस कंडीशन से हमारे पास माइनस 6 से 4 के बीच में लाई करता है और k ग्रेटर देन 2 यानी कि यहां से ये सारे कर रहा है. ये कंडीशन, तीनों कंडीशन ट्रू होने के लिए कॉमन वैल्यूज यानी कि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, दोनों में कॉमन जो वैल्यूज हैं उसको कंसिडर करेंगे. तो दोनों में कॉमन का क्या आ रहा है, k की वैल्यू 2 और 4 के बीच में, और 2 और 4 पे इक्वालिटी साइन नहीं है, यानी कि k 2 और 4 नहीं हो सकता है, उसके बीच का कोई नंबर होगा. और दे रखा है कि हमें k का इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर निकालना है, तो 2 और 4 के बीच में सिर्फ एक इंटीजर लाई करता है और वो है 3. देयरफॉर वी कैन से दैट k इज इक्वल टू 3. एक और कंडीशन वैसे इसमें है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर सम ऑफ रूट्स लेस देन 0 है, तो एक और चीज है, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 होगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0 होगा तो सी बाई ए के माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, के माइनस 2 हमें मालूम है कि के माइनस 2 जो है यहां पे क्या हो रहा है, ये 2 माइनस के, तो k माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है. यहां पे हमने जो पिछला रिलेशन देखा था k ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियस है कि k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. k माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लोग दोनों साइड k माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा. अब हम लोग करेंगे तो k प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो k ग्रेटर देन माइनस 4 आ गया. तीसरे कंडीशन से k ग्रेटर देन माइनस 4 आएगा, उस केस में भी जो कॉमन है तीनों के केस में वो 2 और 4 के बीच में है, और इन एनी केस द वैल्यू ऑफ के विल बी 3. के 3 ही आएगा क्योंकि के की कॉमन वैल्यू सारे कंडीशंस को मैच करेंगे तो 2 और 4 के बीच में ही लाई करती है. अब यहां दे रखा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी है. दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब कि अगर हम रूट्स को ले अल्फा बीटा, तो दोनों रूट्स का डिफरेंस जो है वो 1 होगा. दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर अगर रूट हो गए तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1. यहां अज्यूम किया कि अल्फा ग्रेटर रूट है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1. ऑल्सो गिवेन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी. नाउ यू कैन यूज दिस रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा. ये आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा 1 है तो ये 1 प्लस 4 टाइम्स सी. अल्फा बीटा क्या है, सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c क्या आ गया हमारा 1. इसकी वैल्यू हमें बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू निकालनी थी, तो बी स्क्वायर माइनस सी 1 होगा. ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रोफेसर केसी सिन्हा की बुक एडवाइजर्स मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th में देख सकते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और थ्योरी को भी काफ़ी डीपली कवर किया गया है, टाइप वाइज प्रॉब्लम्स को सेग्रीगेट किया गया है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ अ बुक एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स हैव बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी लेवल एंड ऑन द टाइप ऑफ ऑन द एल्गोरिदम विथ विच यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन. सो all these questions, there is a question bank at the end of the book, and using the Eduwiser app, you can also access the solutions and extra questions and tests. So it will be very beneficial for you, and I hope you will be buying the book.